जय श्री राम। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। तो मैं आज इसलिए इस वीडियो को बनाना जरूरी पड़ गया था मुझे, क्योंकि देखिए हम पूजा भी करते हैं तो जल्दबाजी में करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं तो जल्दबाजी, अरे मुझे तो देर हो रही है ऑफिस के लिए, बस हाथ जोड़ा भगवान को और चल दिए, ठीक है, चलिए ठीक है जो जैसे कर रहा है। लेकिन सुंदर कांड आजकल मैंने देखा है वीडियो पर भी, कई बार कोई 45 मिनट में पूरा कर रहा है, कोई 40 मिनट में कर रहा है, कोई 50 मिनट में कर रहा है। देखिए सुंदर कांड करने से हमारे घर में एक तो पवित्रता आती है, ठीक है, घर में सामंजस्य बना रहता है, घर में एक दूसरे का तालमेल बना रहता है, घर में पैसे की ज्यादा तंगी नहीं रहती, ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा समस्या है तो वो धीरे 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 आपकी समाप्त हो जाएगी सुंदर कांड का पाठ करने से। अब सुंदर कांड का पाठ होता है बड़ा, सवा घंटे, कम से कम सवा घंटे का समय सुंदर कांड में लगता है, तो क्या करते हैं हम इतना फास्ट उसको बोलते हैं, ना तो हमारे समझ में आता है ना सामने वाले की समझ में आता है, किताब को हम ऐसे रटते हैं खटखट खटखट, लो जी हो गया सुंदर कांड, आरती हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए, नहीं 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 नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। आपने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करिए, आप सुंदर कांड का पाठ करें, तरीके से करें, शांत मन से करें, थोड़ा थोड़ा कर लें, कोई जरूरी नहीं है कि आज अभी एक घंटे में ही सारे अभी प्रसन्न हो जाएंगे देवता और आपको खड़े होकर कहेंगे बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब तब करें हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों हजारों साल लगी है, सौ सौ साल लगी हुई है, आज हम करते क्या है, हाथ जोड़ गए। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में कहा है कि आप सिर्फ प्रभु का नाम लो तो आपके कई कार्य बन जाएंगे, प्रभु का नाम लोगे तो बन जाएंगे, लेकिन आपके हृदय में वो भाव होने चाहिए। सुंदर कांड का पाठ अगर आप एक साथ नहीं कर सकते, समय नहीं है आपके पास सवा घंटे का डेढ़ घंटे का, तो आप इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं, पांच बार में, छह बार में, चार बार में, लेकिन आप पढ़ें तरीके से, शांत मन से पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, ठीक है ना, तो इतना इतनी तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ लो, ठीक है, भले ही उसको पाठ आप दूसरे दिन भी कर सकते हो, धारावाहिक चलता है ना, जैसे मैंने आज थोड़ा सा पढ़ लिया 20 मिनट 10 मिनट, ठीक है, प्रभु का हाथ जोड़ दिया और उसको वहीं विराम दे के आप उठ जाए, फिर पुनः उसी के आगे श्री राम जय राम करके फिर आप पुनः उसको आप फिर पढ़ें। देखिए सुंदर कांड जब आप पाठ करते हो या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हम एक चीज पर जोर डालते हैं, शुरू से ही हमने एक चीज ले रखी है और वो क्या है, संकल्प। आप सुंदर कांड का पाठ भी करें तो संकल्प ले लें कि मैं इस संकल्प के आधार पर ये सुंदर कांड का पाठ कर रहा हूं, तो आप देखना संकल्प लेने के पश्चात आपको उस चीज का लाभ जल्दी मिलता। तो मेरी सभी से, सभी दर्शकों से यही विनती है कि आप सुंदर कांड का पाठ करें, लेकिन तसल्ली से करें, आराम से करें, शांति से करें, अपने देवी देवताओं का स्मरण करें, अपने पितरों को याद करें, अपने गुरु जी को ध्यान करें, गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं, एक बीड़ा भी लगा सकते हैं, गुलाब के पुष्प आप अवश्य रखें, एक लाल फल अनार ले लें, ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक अनार ज्यादा महंगा नहीं आता, आप रखें, और उसके बाद आप मन क्रम वचन से आप शांत स्वभाव से करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सुंदर कांड का आपको 101% लाभ मिलेगा। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, आपको करो ही मत, इससे तो आप करो ही मत, ठीक है ना, आपको किसी ने कहा नहीं कि आप जल्दबाजी में घोल मोल करके उसको पूरा करो, नहीं, तसल्ली से करो है? हम तो हनुमान चालीसा भी करते हैं ना, तो गड़ 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 कार्य ऐसे होते हैं जिनको आप तसल्ली से करोगे, मन से करोगे, श्रद्धा से करोगे, तो इसका फल आपको, कई बार देखा है ना गुरुजी हम तो पाठ करते हैं हमें तो लाभ ही नहीं मिल रहा, लाभ कहाँ से मिलेगा, आप तो दो मिनट में सुंदर कांड, दो मिनट में ही हनुमान चालीसा का पाठ किया और खड़े हो गए, हाँ बस चल मैं अभी आ रहा हूँ, दो मिनट,
इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, सबसे निवेदन यही है, आप पाठ करो, पूजा पाठ करो, थोड़ा समय निकाल कर उसको तरीके से करो, तब आपको लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं और नई नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। अभी तो बहुत से हमारे पास वास्तु के भी कई चैप्टर हैं, कई फोन आ रहे हैं, गुरुजी हमें वास्तु के बारे में बतलाएं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।